दोस्तों जिस तरह कारों को बनाने के बाद उसका क्रैश टेस्ट किया जाता है, उसे सामने से, साइड से, पोल में लड़ाकर सब तरीके से उसकी सेफ्टी चेकिंग की जाती है कि वह कितनी सेफ है। उसी तरह से गन बनाने के बाद गन का फायर टेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर AK-203 राइफल को लेते हैं, उसे -50 डिग्री में रख कर फिर फायर किया जाता है। यह चेक किया जाता है कि वह आर्कटिक जैसे तगड़ी ठंडी को झेल पाएगी, जिसे लो टेम्परेचर टेस्ट कहते हैं। फिर उसका डस्ट और सैंड टेस्ट किया जाता है। इसमें उसे डस्ट और सैंड में रखकर फिर फायर किया जाता है। यह चेक किया जाता है कि वह रेगिस्तान में उड़ती धूल को भी झेल पाएगी, जिसे डस्ट और सैंड टेस्ट कहते हैं। फिर उस पर पानी के बूंदों की बारिश कराकर फिर फायर किया जाता है। यह चेक किया जाता है कि वह कम्बाइंड इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल पाएगी। दोस्तों हमारे देश में बनी इंसास राइफल इसी वजह से फेल हो गई, क्योंकि उसकी मैगजीन -50 डिग्री सेल्सियस में चटक जाती थी।